अमेरिकन तकनीक से मुरादाबाद में भी इलाज होना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पहली बार अमेरिकन तकनीक से रोबोटिक मैको स्ट्राइकर के द्वारा पूर्ण घुटना प्रत्यारोपण का इलाज मुहैया कराया जा रहा है। ये सुविधा मुरादाबाद के कॉस्मोस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। इस अमेरिकन तकनीक से इलाज कराने के लिए दूर दराज जाने की जरूरत नहीं है। NCR को छोड़कर उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक ऐसा मात्र स्थान है जहाँ पर रोबोट की मदद से घुटनों की सर्जरी की जा रही है। कॉस्मोस अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सर्जरी डॉक्टर ही करते हैं, रोबोट सिर्फ मदद करता है। घुटना प्रत्यारोपण ऑपरेशन में रोबोट को भी ऑपरेशन थिएटर के नियमों को फॉलो करना पड़ता है। रोबोट भी गाउन पहनकर काम करता है जिससे इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता। इस सर्जरी में मरीज को दर्द कम होता है, थोड़ी इसमें कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन हमारे मुरादाबाद में दिल्ली के मुकाबले आधे रेट में ऑपरेशन होते हैं। रोबोट की कॉस्ट बढ़ने के बावजूद भी सर्जरी के रेट दिल्ली से कम ही हैं। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए ताकि अमेरिकन तकनीक का इलाज भी आयुष्मान के अंतर्गत आना चाहिए ताकि आमजन को इस सुविधा का लाभ आसानी से मिल सके। देखिए, ये मुरादाबाद में नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में नहीं है, अगर हम NCR को छोड़ दें तो। और जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ब्रीफ किया था कि रोबोट जो है एक ऐसे इक्विपमेंट है कि लोग अक्सर ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें ऑपरेशन डॉक्टर ही करते हैं, रोबोट उनकी मदद करता है, असिस्ट करता है उनको और बेटर एंगल्स और बेटर क्वालिटी देता है सर्जरी की, जिसकी वजह से हमारा रिहेबिलिटेशन यानी जो फिजियोथेरेपी का पीरियड है वो कम हो जाता है, पेशेंट को दर्द कम होता है और जो इसमें इम्प्लांट है उसकी लॉन्जेविटी बढ़ जाती है, यानी कि वो ज़्यादा समय तक शरीर में अच्छी तरह से काम कर सकता है, क्योंकि इसकी वजह से जो एंगल्स क्रिएट होते हैं या इसकी वजह से जो भी जिन लेवल पे हम काटते हैं बोन को और जिस एंगल्स पे काटते हैं उस पर प्रेशर बिल्कुल उतना ही आता है जितना कि नेचुरल बॉडी में आपके प्रेशर रहता है। ये नहीं कि किसी तरफ आपके एंगल गलत होने से प्रेशर ज़्यादा हो गया, किसी तरफ कम हो गया, तो घुटनों की जितनी भी चारों तरफ की जो भी डायमेंशंस हैं वो सिम उसी तरह का प्रेशर लेती हैं जैसे कि आपका कुदरती प्रेशर आता है। नहीं, ये पूरे उत्तरांचल उत्तर प्रदेश में नहीं है, अगर हम NCR को छोड़ दें अभी जिलों ऑपरेट करने में कोई 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगता है नॉर्मल के मुकाबले। नहीं, आम आदमी की पकड़ में थोड़ी कॉस्टिंग इसकी बढ़ जाती है क्योंकि इसके डिस्पोजेबल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग गाउन पहनते हैं, डॉक्टर सर्जन तब ऑपरेशन करते हैं, इसी तरह इस तरह के गाउन और कपड़े जो रोबोट को भी पहनाए जाते हैं, एक तरीके से मोटे भाषा में आप ये समझ लीजिए, क्योंकि वरना वो स्टराइल फील्ड में घुस नहीं सकता, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसे ही थोड़ी आप किसी चीज़ को लगा देंगे, तो उस डिस्पोजेबल की कॉस्ट ऐड हो जाती है, इसलिए ये थोड़ा महंगा हो जाता है। नॉर्मल उससे सर्जरी से इसकी कीमत इसी वजह से बढ़ जाती है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ती कि आम आदमी अफोर्ड ना कर पाए। वैसे भी हमारे मुरादाबाद में जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो दिल्ली के मुकाबले आधे पैसों में हो रहे हैं, अगर हम रोबोट भी ऐड कर देते हैं तो दिल्ली में जिस रेट में कन्वेंशनल सर्जरी हो रही है यानी परंपरागत सर्जरी जिस रेट में हो रही है उससे रोबोट की कॉस्ट ऐड करने के बाद भी सस्ती है, और ये तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है जो कि आप दिल्ली जाते हैं और इससे दुगने पैसे खर्च करते हैं, मतलब जो पारंपरिक ढंग से जितना पैसा खर्च होता है कन्वेंशनल में उसकी भी कम में रोबोट के साथ हमारे यहाँ खर्च होगा पैसा, तो मेरे ख्याल से कॉस्ट का इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, मैन पावर भी इसमें कम हो जाती है क्योंकि रोबोटिक आर्म काफी कुछ काम करती है, जैसे कि पहले 5 लोग ऑपरेशन कराते थे अब 3 लोग भी इसमें ऑपरेशन करा सकते हैं क्योंकि काफी कुछ काम रोबोट को भी करना होता है। आपने और लोगों से बात की जहां से ये मशीनें काम कर रही हैं, कितनी सफलता मिली है? नहीं, इसकी सफलता कन्वेंशनल के मुकाबले बहुत ज्यादा है, जो मैंने आपको इसके लाभ बताए थे फायदे बताए थे वो सब होते हैं और ये बहुत सफल है, अमेरिका में और विदेशों में बहुत हो रहा है और अभी इंडिया में ये मेरा जो है 25th इंस्टॉलेशन है, यानी 24 रोबोट और हैं इंडिया में इस तरह के। इस रोबोट को चलाने के लिए कोई ट्रेनिंग ली आपने? इस रोबोट को चलाने के लिए 2-3 बार ट्रेनिंग ली गई है और जब ट्रेनिंग का पार्ट खत्म होता है तभी ये रोबोट कंपनी जो है आपको देती है, उससे पहले आप रोबोट नहीं चला सकते, आपका सर्टिफिकेशन होता है ट्रेनिंग का, उसके बाद ही आप रोबोट यूज कर सकते हैं। आप इस क्षेत्र में बहुत समय से काम कर रहे हैं, क्या मानते हैं इस मशीन से कितना फायदा पहुंचेगा? इस मशीन से बहुत फायदा पहुंचेगा क्योंकि जो हमारी गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है ऑपरेशंस की, वो बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी और उससे मरीजों को बहुत फायदा होगा। देखिए, जहाँ पे जिन इंस्टीट्यूशन में रोबोट होगा वहीं सीख सकते हैं, ये ऐसी चीज नहीं है कि हर मेडिकल कॉलेज में लग जाए,
या हर इंस्टीट्यूशन में लग जाए, ये बहुत एडवांस चीज़ है और एक्सपेंसिव टूल है, तो ये हर जगह तो नहीं मिलेगा। इसके लिए डॉक्टर का अपना इंटरेस्ट होना चाहिए और उसकी ट्रेनिंग ऐसी जगह पे होनी चाहिए, वही सीख सकता है। आयुष्मान कार्ड क्या अभी, क्योंकि ये बहुत नई टेक्नोलॉजी है तो हमारी सरकार ने इसका संज्ञान लिया नहीं है। मुझे लगता है कि अगर सरकार इसका संज्ञान लेगी तो ज़रूर आयुष्मान वालों को भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और मैं तो, मेरी तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि जैसे आयुष्मान में इतना बेहतरीन काम हो रहा है और हम लोग कन्वेंशनल कर रहे हैं, अगर थोड़े से पैसे वो रोबोट के हिसाब से बढ़ा दे, बहुत ज़्यादा नहीं, तो मुझे लगता है इसका फ़ायदा आयुष्मान को भी होगा। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि वैसे तो आप ये सर, आप जितनी कोशिश हो रोबोटिक से ऑपरेशन कराएं अपने, क्योंकि उसके फ़ायदे हैं, और पैसे की कोशिश हम ये करेंगे कि उतना इसमें नहीं बढ़े जितना कि मेट्रो सिटीज़ में बढ़ता है या दिल्ली में बढ़ता है, इसको भी मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हर एक मरीज़ को इसका लाभ